भीषण कोरोना वायरस में खाद्यान्न घोटाले से बदनाम गोंडा जिले के अधिकतर कोटेदार शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन न करते हुए खुद अपनी मनमानी के तहत राशन वितरण करने में लगे हैं। सरकार का कोई नियम कानून शायद इन पर लागू नहीं होता। ये ग्राम सभा उपाध्यायपुर ग्रंट है। इस गांव में लगभग 32 पूर्वे आते हैं जिसकी आबादी लगभग 6000 के ऊपर है। यहाँ से मनकापुर तहसील लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है, फिर भी यहाँ राशन वितरण में धांधली चोरों पर है। ये कहानी ग्राम सभा चौबेपुर उपाध्यायपुर ग्रंट के संयुक्त कोटेदार शोभा राम यादव के काले कारनामों का है, जहां पर 15 अप्रैल से सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम राशन का निःशुल्क वितरण होना था, लेकिन ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाया है कि उन्हें अब तक राशन नहीं दिया गया। अगर ग्रामीणों की माने तो जॉब कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकृत कार्ड व राशन कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं दिया जाता, और तो और राशन भी दिया जा रहा है तो उसमें जमकर घटौली भी की जा रही है। हद तो तब हो गई जब ग्रामीण करताराम को पिछले 7 दिनों से उन्हें यह कहकर दौड़ाया जा रहा था कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, जबकि पहले दिन ही उनका अंगूठा कोटेदार ने लगवा लिया था। बुजुर्ग करताराम का घर कोटेदार के घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कोटेदार ने मानवता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सर, यहाँ लगभग हमारा 35 पूरे का मौजा होगा और यहाँ कम से कम 4000 से ऊपर वोटर हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे राशन लाने जाना पड़ता है। अगर यहाँ जो गरीब हैं वो जाते हैं राशन लाने, मजदूरी करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे जो है मजदूरी छोड़ के जाते हैं राशन लाने, उसके बाद राशन नहीं दिया जाता है। कभी कदार दे दिया गया, एक बार में तो दे दिया गया। वो जब तक आता है यहाँ उसकी मजदूरी चली जाती है, वहाँ राशन चला गया, ठीक। उसके बाद अगर कोई शिकायत भी किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल पे, जो जन सुनवाई है उस पे कुछ दिन बाद निस्तारण रिपोर्ट लगाई जाती है कि इनको राशन दे दिया गया, वो फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। इसका मतलब कोई नहीं, हम खुद ही कितने कंप्लेन कर चुके हैं राशन के बारे में कि जो फर्जी ही रिपोर्ट उस पे लगा दी जाती है। हम खुद और फिंगर भी लगवा के आदमी को राशन नहीं देते हैं। कुछ आदमी को उन्होंने फिंगर भी लगवा लिया और राशन नहीं दिए, और राशन लगभग 125 बोरी का अंतर आ रहा है। आप खुद आके देखे हैं यहाँ पे जो राशन आया 15 तारीख से, कितने ग्रामीण यहाँ पे आ गए, कोई राशन नहीं पाया, 90% लोग राशन नहीं पाए, वो राशन कालाबाजारी हो गया। जब हम लोग उनके यहाँ गए, उनकी लड़की बदतमीजी से बात की कि SDM साहब का आदेश है सबको मार के भगाओ, कुछ महिलाओं को उन्होंने उल्टा सीधा बोला। हम लोग चले आए और ग्रामीण बहुत पीड़ित है, इसके लिए हम लोग ये अपील है कि यहाँ 2 कोटा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी होगी। बहुत यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पब्लिक यहाँ गरीब जो है बहुत, देखने में क्या बताएं, जो यहाँ सहन कर रहा आज के लॉकडाउन में इतनी बड़ी समस्या है वही जानता है। सर, ऐसा है कि जो एक पहले वाले राशन जो आए उन्होंने दिया, बहुत मुश्किल में दिया, बहुत ठीक नहीं दिए। दूसरी बार जो 15 तारीख को आदेश हुआ कि राशन दिए, 15 तारीख को कुछ लोग गए, उन्होंने कुछ आदमी को राशन दे दिया, उन्होंने बताया कि हमारा मशीन चार्ज नहीं है, मशीन वो चार्ज पर लेके चले गए। शाम को बुलाए, जब शाम को पहुँचा गया वहाँ पे ग्रामीण पहुँचे तो पता लगा उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। फिर अगले दिन बुलाए, नेक्स्ट डे अगले दिन जब ग्रामीण गए तो उनका दुकान बंद मिला। उनके परिवार से पूछा गया, कोई अनबोलता ऐसा है, कोई बोलता ही नहीं कुछ कि हमारे कहाँ गए कोटेदार, कुछ बताया नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो ये कोटा आपका अटैच हुआ है, जी जी, किस ग्राम पंचायत में हुआ है और कौन सा कोटेदार है? ये कोटा हमारा ग्राम पंचायत चौबेपुर में अटैच हुआ है, शोभा राम कोटेदार है, पहले उपाध्यायपुर में था, वहाँ से अटैच है शोभा राम कोटेदार के यहाँ चौबेपुर में। जी, तो ये कब से वहाँ? ये लगभग 2-3 महीने हो गए। ये बताइए, राशन आपको मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता है राशन भैया। कितने परिवार हो घर में? हम 7 परिवार हैं। हाँ। ये पात्र गृहस्थी का है आपका क्या, अंत्योदय का? कौन सा कार्ड है आपके पास? हमारा वाइट है। अच्छा, वाइट वाला। हाँ। तो आप राशन जाती हैं लाने? हाँ, राशन हम जाते हैं, 6 बार हम गए वापस लौटा रहे थे, राशन नहीं दिया था जी। हाँ। कोटेदार का नाम जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम? शोभा राम यादव। शोभा राम यादव। उनका व्यवहार कैसा रहता है जब आप लोग वहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, राशन नहीं दिया था, कहा था राशन नहीं मिलेगा, फिर इतनी दूर हम लोग 6 किलोमीटर जाते हैं,
पैदल यहाँ से जाते हैं, पैदल फिर आते हैं, राशन नहीं देता है, लौटा दिया था हम लोग कहीं। यहाँ सरकार से कुछ अपील है आपकी कि कुछ आपकी समस्या दूर हो जाए, क्या सुधार होता गवर्नमेंट? हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि कोटेदार कोई दूसरा अच्छा आदमी बन जाए कि गरीबों का सबको राशन दिया, सब लोग खाएं पिए आराम से रहें। वो कोटेदार अच्छा नहीं है भैया, बहुत परेशान कर रहे पब्लिक का यहाँ। हाँ, कोई अच्छा आदमी का ढूंढ के कोटेदार बनाए थे, राशन दिया, गरीब आदमी सब लोग खाएं जिए। कौन सी समस्या आ रही है राशन लेने में आपको? सर यहाँ से जाते हैं तो राशन बोलता है कि आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, जब जाते हैं तो उसके घर में तो ताला लगा रहता है, आओ तो जाओ, उसके बाद में कहता है कि राशन नहीं मिलेगा। और 6 किलोमीटर हम लोग जाते हैं और आते हैं, आज तक अभी राशन मिला नहीं। घर में हमारे 7 परिवार हैं सर, 7 परिवार में बताओ खर्चा हमारा कैसे चल रहा है, बुरा हाल है इस समय। इसी के हिसाब से मांग मुँह के चावल उधर से 2 किलो 4 किलो सब सब तो हिसाब से खर्चा चलाते हैं सर। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। पंजीकरण है? पंजीकरण। हाँ, क्या समस्या आ रही है राशन लेने में? राशन जाए वो लाने तो वहाँ बोलते हैं कि तुम्हारा है ही नहीं है, मिले नहींगा। हाँ, राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। ये बताइए कि कितनी दूरी से जाते हैं राशन लाने? 6 किलोमीटर आप लोग जी वहाँ से जाते हैं तो राशन देते नहीं है और वहाँ से कहते जाओ जो करना तुम्हें कर लो। सरकार ने इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं कि कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, ऐसी क्या समस्या कोटेदार से आप लोग? वो यही कहते हैं कि जाओ राशन खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। कोटेदार का नाम क्या? कोटेदार का सुबह राम यादव। इसके लिए कभी जांच पड़ताल हुई है? नहीं, नहीं कभी नहीं हुआ यहाँ। नहीं, आप लोगों का इस लॉकडाउन में कैसे जीवन यापन चल रहा है? बिल्कुल बहुत बुरा चल रहा है सर। खेती नहीं है? हाँ, सरकार से कोई अपील है? अपील हमारा ये है, हमारे पास खेती नहीं है, पाती नहीं, हम 7 परिवार हैं और हम 20 साल से दवाई खाते हैं, सबको पता है इस चीज़ को, दवाई नहीं खाएंगे एक दिन तो हमारा हालत खराब हो जाता है। तो ऐसे हालात में आप लोगों को अगर राशन नहीं दिया जाएगा तो कैसे आपका फिर जीवन यापन चलेगा? अब कैसे चलेगा, अभी कल किसी से 500 रुपये लेके आया हूँ, किसी और से लिया हूँ तब 1000 रुपये का चावल लेके आया हूँ। दोस्तपूर्ण रवैये से कैसी सजा मिलनी चाहिए कोटेदार को? कोटेदार को हटा दो यहाँ से। हाँ, कोई अच्छे कोटेदार है तो उनको लाओ। मैरून निशा। कितनी दूरी से आप जाती हैं राशन? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। इस बार आपको राशन मिला है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, सरकार ने शुरू किया है बंदी? नहीं मिला ना। आप वहाँ जाती हैं राशन लाने तो क्या होता है, कुछ बता पाएंगे? ना देते हैं, भाग जाते घर छोड़ कर। क्या नाम पड़ेगा कोटेदार का? शोभाराम यादव। तो इससे पहले भी कोटेदार कोई दूसरा था आप लोगों का? हाँ, किशोर लाल। वो कोटा क्यों छोड़ दिए, कुछ जानकारी? अब वो गाड़ी पकड़ ही गए, ब्रेक से बेचत रहे तो पकड़ ही गए। उसके बाद में आपको कोटा यहाँ अटैच हो गया? हाँ, ठीक है, शोभाराम में। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अटैच हुआ है, इनका जो व्यवहार है आप लोगों के प्रति वो ठीक नहीं रहता। हाँ, क्या कार्रवाई ऐसे कोटेदारों पर होनी चाहिए जो यहाँ आ जाए? हमें सबके मौजा में कोटेदार आ जाए, बढ़िया मोहनई रहें, बाटें मिल जावा करे, परेशानी न रहे। कितने लोग का नाम जुड़ा? जुड़ा रहा 6 आदमी के। हाँ, काटे कुटे के बाद में 3 आदमी बना। तो ये बताओ कि राशन आपका मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। ये लॉकडाउन चल रहा है, सरकार एक तरफ लगाई हुई है और आप लोगों के लिए व्यवस्था भी कर रही है कि खाने पीने का इंतजाम आप लोगों का हो जाए, तो अगर आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो कैसे आपके बच्चे जियेंगे? कुछ समस्याएं हैं, कुछ बता पाएंगी आप? कोटेदार का क्या रवैया रहता है आपको राशन? अरे जाए थे तो वह हराए जाता था, क्या जाने कहाँ चले जाते। तब से ये कर रहे हैं मतलब 2 महीने से 3 महीने से? हाँ, तो हमेशा नहीं, दूसरे चक्कर से है जी। इससे पहले आप लोगों को राशन मिलता था? पहले 1 चक्कर दिए है, इसके बाद में अब जब गई हैं तब क्या हो? लौट कर आए, बुलाए गए क्या जाने कहाँ, पहले कहाँ चला गया। सरकार से कुछ मांग है आपकी कि आपको राशन मिले या कोटेदार? राशन मिले, कोटेदार दूसरा बनाइए। हमारा राशन मिला था आपका? नहीं मिला। नहीं मिला भैया। कितनी दूर से जाते हो राशन? अब जाए थे 6 किलोमीटर जाए थे, 6 किलोमीटर पैदल आए जी। अगर कोटेदार के पास आप लोग जाती हैं क्या व्यवहार रहता? अब कौन व्यवहार रहता, घर छोड़ भाग जाता, कौन व्यवहार रहता? उनके कार्रवाई वगैरह भय है? कब नहीं भय? कब नहीं भय है जी? अधिकारी जाँच पड़ताल करे आए कब? कुछ नहीं। क्यों नहीं आए? इस मामले में जब इंडिया टाइम्स की टीम ने उप जिलाधिकारी मनकापुर से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि उपजिलाधिकारी महोदय कौन सी कार्रवाई करते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए QD सिद्दीकी की रिपोर्ट।